कोरोना की जिस तरह से आंधी आई है उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज जनपद बागपत से सामने आ रहे हैं। आज जनपद बागपत में 200 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 66 मरीज अकेले छपरौली कस्बे से हैं। तेजी से पैर पसार रही कोरोना के कारण अब लोग ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि इस बार कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। याद दिला दें कि जनपद बागपत में पहले ही शुक्रवार से लेकर सोमवार तक का लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है और इसके अलावा प्रत्येक दिन रात्रि कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। जिन स्थानों पर कोरोना के मरीज अधिक आ रहे हैं उन स्थानों को पूरी तरह से सीज करते हुए सैनिटाइज कराने का काम स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी राजकमल यादव ने जनपद वासियों से अपील की है कि वह कोविड नियमों का गंभीरता से पालन करें, आपातकालीन स्थिति में ही घरों से बाहर निकलें। अति आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी नियम का पालन अवश्य करें। सभी लोग अपने दुकानें बंद कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बाजार में दिखाई नहीं देगा। रात्रि 8 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी लोगों को सूचित किया जाता है रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिदिन कर्फ्यू रहेगा। सभी व्यक्ति 8 बजे से पहले अपनी दुकानें बंद कर रहे, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा बाहर रोड पे, कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई देगा। रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिदिन कर्फ्यू रहेगा। सभी लोग ध्यान दें।